हेलो, ये है यूट्यूब से सीख के बने हुए शेफ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल होमी मोमी। मैं हूँ सविता चौधरी और देखते हैं आज का वीडियो। एक शांति वाला संडे जिसमें कि बहुत सारा काम करने का मैंने प्लान किया हुआ है, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। और नाश्ते में आज है बिल्कुल देसी टिपिकल जाटो वाला खाना। धनिए की हरी चटनी, रोटी, छाए, मिर्च का अचार और गुड़। गांव में आमतौर पर ये खाना सुबह या शाम एक वक्त ज़रूर बनता है, जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है। खाना पीना हो गया है तो पिताजी तैयारी कर रहे हैं गांव जाने के लिए। और हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा धूप में जाने के लिए। ऑल दो आजकल मौसम चेंज हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, स्वेटर में गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से स्वेटर पहनना ही पड़ रहा है। तुम ही बना लो तो फिर रुक जाओ। हाँ, सबको देखेंगे ये यहाँ, क्योंकि सारे बाल ही ये हैं। शक्ल एकदम सुंदर लग रही है, जो कि बनरिया जैसी एकदम। हे ज़्यादा पड़ता नहीं। खा पीकर मजबूत होने के बाद शुरू होता है आज का काम। और काम है कि ग्रॉसरी लानी है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि जो जो चीज़ों की क्लीनिंग की ज़रूरत है वो सारी मैं क्लीन कर लेती हूँ। लाइक जितने भी कंटेनर्स वगैरह हैं उन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने ख़रीदा है ये मैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लग रहा है। जितने भी बर्तन, जो चाहे वो कांच के हों, चाहे वो इस तरह के बर्तन हों कि आपको अलग से धुलने हैं और उनको सुखाना हो, उसके लिए ये इतना बेहतर काम कर रहा है कि ईजिली आप अपने बर्तन इसके ऊपर स्टॉक कर सकते हैं और आसानी से धुल के रखो आराम से, और ये आसानी से सूख भी जा रहा है। मैं काफ़ी दिन से ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ रही थी जिसमें मैं बर्तन आराम से अपने कांच के जो धुलती हूँ उनको ऐसे रख सकूँ। उससे पहले मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी, और ये मैंने सिर्फ आई थिंक विशाल मेगा मार्ट से 199 में ख़रीदा है, तो ये एक बेस्ट परचेज मुझे लग रही है।
मेटल की स्ट्रॉ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार खरीद लो और फिर दोबारा से आपको उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको क्लीन करने के लिए साथ में यूजुअली एक पतला ब्रश आता है जिससे उनको अंदर से भी आसानी से क्लीन किया जा सकता है। ब्लेंडर भी बिल्कुल वैसी ही एक परचेज़ है जिसने रोज़मर्रा के काम में इतनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी ईजी बनाई है। घी निकालने के काम को मैं पहले मिक्सी में करती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती थी, अब ब्लेंडर से मैं साग भी पीस लेती हूँ, मैं घी भी निकाल लेती हूँ और इसके अलावा कुछ भी अगर काम होता है ब्लेंडर से रिलेटेड तो बहुत आसानी से बगैर एक्स्ट्रा बर्तन गंदे किए वो काम हो जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से धुल गई, सूख गई और अब मैं उनको रिस्टॉक करने की तैयारी में लगी हूँ। हाँ बोलो। गर्मी आ गई है तो अब बर्फ़ भी जमानी है, तो उससे पहले मैंने अपना ये कंटेनर क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि गंदा नहीं हुआ है, जहाँ पर बर्फ़ जमती है वहाँ पर थोड़ी हार्डनेस पानी की जमा हो गई है और बार बार इस पर हाथ लगते हैं तो ये गंदा हो ही जाता है, तो इसको साफ़ करना भी उतना ही मैंडेटरी है। और इन सब के अलावा मैं बनाने वाली हूँ आज मिर्ची का अचार, जिसके लिए मैंने पीसा है धनिया, उसमें डाली है हल्दी, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें थोड़ी राई डालना तो मैं भूल ही गई थी जिसको मैंने बाद में मिक्स किया। मिर्च को वॉश करके, क्लीन करके और उसमें स्लिट लगा के मैंने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था, और मसाला तैयार करने के बाद मैंने जो स्लिट बनाया था मिर्च में उसमें मसाले को अच्छे से फिल किया और सारी मिर्चों को एक कंटेनर में, प्रोबेबली ग्लास कंटेनर में आप यूज़ कीजिएगा, ग्लास कंटेनर में उसको स्टोर किया। और सबसे बाद में उसमें डाला मैंने थोड़ा सा काला सिरका, सिरका उसको प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा, बहुत दिन तक उसको ख़राब नहीं होने देगा और उसके टेस्ट को भी एनहेंस करेगा। इसके बाद मूली के स्लाइस आपने देखे स्टार्टिंग में मैंने कट करके धूप में सुखाए थे, हल्का सा उसको धूप दिखा लिया, ऑल दो बहुत ज़्यादा देर भी आप धूप में रख सकते हैं लेकिन मेरे यहाँ इतनी देर तक धूप आती नहीं है तो मैंने सिर्फ थोड़ी देर की धूप के बाद ही उन्हें वहाँ से उठा लिया और फिर काले सिरके में डाल के उनको रखा है। उसके लिए थोड़ा सा नमक भी उसमें ऐड किया है, ये इतने टेस्टी टर्न हो जाएंगे काले सिरके में, जो कि आपके लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि काला सिरका आपकी हेल्थ के लिए, लिवर की हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये होममेड सिरका है, मेरी मौसी ने मुझे दिया है तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ग्रॉसरी आनी है तो मैंने सारी चीज़ों को फिर से रीफिल किया है, जो चीज़ें बची हुई हैं उनको चेक किया, उनको रीफिल किया और एक लिस्टिंग की कि क्या आना है और क्या ख़त्म हो चुका है। इससे एक आइडिया हो जाता है बहुत इजी, आप कुछ भी पुराना सामान छोड़ते नहीं हो। ये सब करते करते हो गई है शाम और मैं गई हूँ दूध लेने के लिए। अंकल ये सदरपुर में इतने मोर मोरनी क्यों है? पहले से ये बाग बहुत है पहले। दूध मैंने गर्म करना रख दिया है और घी गर्म करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। घी जब आप गर्म होना रखें तो उसको थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद हो सके तो फ्रिज में रख दें ताकि वो सॉलिड टर्न हो जाए, और जब वो सॉलिड में टर्न हो जाएगा तो उसके नीचे जितना भी पानी होगा, घी में जो एक्स्ट्रा पानी होगा हम धुलते हैं घी को, या एक्स्ट्रा छाई होगी, मट्ठा होगा, वो नीचे रह जाएगा और जो घी होगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे कट लगा के आराम से सारा एक्स्ट्रा पानी या जो भी छाई है उसको निकाल सकते हैं, और इस तरह से आपकी गैस भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी और आसानी से आपका घी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा।
इन्हीं सब टिप्स और ट्रिक्स के बाद मैं ख़त्म करती हूँ आज का वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। फिर भी हमें उसका नाम याद नहीं है, पर कुछ जैसा कर सकते हैं। पिताजी क्या बन रहा है वैसे? कुरकुरे डिश। ये है यूट्यूब से सीख के बने हुए शेफ जिनको डिश का नाम नहीं पता। क्या कमेंट में बताना क्या है वो? आलू की चिप्स? नहीं ये चिप्स बना रहे हो आप? चिप्स सारे आलू। पागल है तू, ऐसे क्यों रख रहे हैं? ये चिपक जाएंगे अब। आपका असिस्टेंट ठीक नहीं पिताजी। ये अपने आप फिसल कर ही जा रहे हैं। दो और हैं। जो भी कुछ है इससे। ये मसाला है पर ये सलाद पे डालने वाला ही है तो डाल सकते हैं ये। नहीं मैं भी खाऊंगी ना। नो नो, तुमने इतने अच्छे चिप्स बनाए थे फिर ये आलू भुजी क्यों खाई जा रही है? ओ मम्मा थोड़े से अगली वाली जो प्लेट थी ना, हाँ। वो प्लेट लाए थे तो अगली वाली प्लेट थोड़े से जल गई थी तो वो हमको कड़वा लग रहा है। दो शेफ लगे थे, इतने टेस्टी बनाए तुमने चिप्स फिर भी कैसे कड़वे हो गए? चलिए। अच्छा।